हेलो एवरीवन, मैं रोहित गुप्ता, आप देख रहे रोहित राजा ब्लॉग। गाइस, मैं अभी कोलकाता में हूँ और अभी जा रहा हूँ हावड़ा ब्रिज की तरफ, और मेरे साथ हैं मनीष भाई। तो देख सकते हैं, ये मनीष भाई है। तो चलिए चलते हैं हावड़ा ब्रिज की तरफ। गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं हावड़ा ब्रिज के पास, और चलिए दिखाते आपको हावड़ा ब्रिज। और देख सकते हैं मेरे पीछे है, और चलते उसके थोड़ा नज़दीक और उधर की तरफ मार्केट भी लगता है, वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हावड़ा ब्रिज के जस्ट बगल में ही ये फूल मार्केट लगता है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है। अभी थोड़ा कम गया है मार्केट मतलब, और ये मलिक घाट के जस्ट बगल में ही है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप के इधर का माहौल है। देख सकते हो दोस्तों, ये मलिक घाट जो कि हावड़ा ब्रिज के जस्ट नीचे ही है, और यहाँ पे देख सकते हो अभी म्यूजिक शूटिंग चल रहा है, और उसके जस्ट बगल में एक रील्स अभी शूट हो रहा था। और देख सकते हो काफ़ी अच्छा माहौल है इधर का, यहाँ पे काफ़ी शांति माहौल है, और छोटा सा यहाँ पे एक मंदिर भी दोस्तों। तो चलिए आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और दर्शन कराते हैं प्रभु के। चलिए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं, और चलते विक्टोरिया मेमोरियल देखने के लिए। उससे पहले देख सकते हो मेरे पीछे हावड़ा ब्रिज जो कि बिना पिलर के है। और दोस्तों देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है, सबसे बड़ा वाला, जो इंडिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, जो कि 65 फ्लोर के है। और दोस्तों यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, विक्टोरिया मेमोरियल 100-200 मीटर दूर होगा। तो चलते पैदल और दिखाते आपको विक्टोरिया मेमोरियल। आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ कोलकाता के सबसे फेमस रानी विक्टोरिया मेमोरियल, बहुत ही शानदार महल है। दोस्तों टिकट की बात करूँ तो इसमें दो टिकट लगता है, जबकि एक टिकट है 30 वाला और दूसरा है 50 वाला। अगर 30 वाला लेते हो तो आप उसमें सिर्फ पार्क घूमते हो, अगर आप 50 वाला लेते हो तो पार्क और म्यूजियम दोनों घूमते हो। दोस्तों म्यूजियम के अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए, काफ़ी लंबा लाइन है। चलिए आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, तो देख सकते हो दोस्तों कितना लंबा लाइन है। तो चलिए चलते म्यूजियम के अंदर, आपको दिखाते हैं म्यूजियम। दोस्तों यह जो बिल्डिंग है महारानी विक्टोरिया की याद में बनी खूबसूरत एक बिल्डिंग है, इसको बनने में 15 साल लगा था। यहाँ विक्टोरिया मेमोरियल से पहले यहाँ एक जेल थी, और इसी जेल के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था। दोस्तों मैं म्यूजिक लगा दूँ, आप वीडियो को एंजॉय करो, मिलते हैं लास्ट में।
Thank you.